मेरे फादर जब हम पैदा हुए हैं तब से उनकी बॉडी देख रहे हैं, एंड ही वॉज सो स्ट्रांग एंड सो ह्यूज. तो जैसे हम गल्फ की शूटिंग कर रहे थे, साथ में थे भाई, सलमान भाई की जो बॉडी इनने बनाई थी वो वैसी बॉडी हमने कभी नहीं देखी. तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट राइट गाइडेंस. तो हमारे फादर को हम बोलते, मैं बहुत पतला बच्चा था, ये भी बहुत पतले थे. अच्छा. मैं बचपन में बहुत पतला था, तो लोग जब मैं जाके किसी को बोलता मैं दारा सिंह का बेटा, तो लोग हंसते थे, झूठ बोल रहा है सारे. तो आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड. आई वुड कम एंड टेल माई फादर के यार आपका बच्चा पैदा होकर मेरी बैड लक है, यानी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोग मानते ही नहीं. तो दे सेड नहीं नहीं बिंदु, 8th स्टैंडर्ड तक वेट कर ले. और 8th स्टैंडर्ड की छुट्टियां जैसे ही 7th खत्म की, हाँ. तो मैं गया, मैं कहा अब बताओ, तो बोला आ जा, दंड मार आज 10, कल 12, परसों 15, 250 मारने छुट्टियों तक, एंड तक, और बैठक मार 250 मारने और पुल अप कर, ये स्टार्ट है बेस. माय गॉड, ये तूने जब कर दिया उसके बाद तू जिम जाना, जिंदगी भर वो बॉडी रहेगी. एंड एक्चुअली आज तक वो बॉडी, जब मैं जिम जाता हूँ 2000 दिन वापस ठीक हो जाती है, जब हनुमान जी का कुछ काम करना वापस ठीक हो जाती है. तो दिस इज हाउ इट इज कि आप लोग अपने बच्चों को जैसे वो उनकी हाइट पूरी हो जाए तो प्लीज स्टार्ट देम ऑफ फ्री हैंड एक्सरसाइज और फिर जिम जाओ और फिर ऐसे महारथियों के पास जाओ, जो भी है, पर अपनी बॉडी का ख्याल रखो. तो डैड की बॉडी देख के हम लोग की बॉडी भी उसी के बनी है. आज 57 हो गए हैं लेकिन अभी भी लगता है कि साला हम तो 20 साल के. दिस इज हाउ इट इज. जिसकी हेल्थ फिट होगी वो कभी भी अपने आप को बुड्ढा नहीं समझेगा. तो 57 हो गया, मैं तो माय हार्ट इज 18. ये